maintain a one point slope of equation of straight line. One point slope of equation of straight line. One point slope form of equation of straight line. One point slope form of equation of straight line. क्या क्या दिया रहेगा मेरे क्वेश्चन में? मेरे क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया रहेगा जिससे कि स्ट्रेट लाइन पास करता है, और क्या दिया रहेगा? स्लोप दिया रहेगा. स्लोप का मतलब क्या? थीटा होगा. थीटा अगर दिया है तो क्या स्लोप दिया है? क्या तो भी स्लोप दिया हुआ है, अदरवाइज क्या सिंपली स्लोप प्रोवाइडेड होगा. तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है वो देख लीजिए. मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइन है. इसके ऊपर कोई एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा. दिया हुआ है मतलब एक्स वन वाई वन, किसी भी कोऑर्डिनेट में सफिक्स में कुछ लिखा रहेगा ना, इसका मतलब वो गिवन पॉइंट, ठीक है. और एक वेरिएबल पॉइंट तो इसमें होगा ही होगा, और वो वेरिएबल पॉइंट क्या मान लिया हम यहाँ एक्स वाई, तो दो पॉइंट हो गया इस लाइन के ऊपर. अगर हम इसको आगे ऐसे प्रोसीड करते हैं, ठीक, तो ये ए है, ये बी है, और ये पी है. पी का कोई कोऑर्डिनेट बताएगा? वर्टिकल पे एक्स सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल पे वाई सेम रहता है, तो एक्स वाई वन हो जाएगा. अगर स्लोप गिवन है, हम आपको बोल रहे हैं एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया हुआ रहेगा, तो स्लोप दिया हुआ है मतलब ये थीटा आपको गिवन है, ठीक है, m दैट इज द tan थीटा. और अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा? तो tan थीटा के लिए इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये vp / ap है. तो m दैट इज इक्वल्स टू vp का मतलब क्या हो जाएगा? y - y, और ap का मतलब क्या हो जाएगा? x - x. तो आप लिख सकते हैं अरेंज करके कि y माइनस y1 जो होगा दैट इज स्लोप टाइम x माइनस x1. ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट स्लोप. इसको कहते हैं वन पॉइंट स्लोप, क्लियर है. तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट दिया रहे जिससे लाइन पास करे, स्लोप या एंगल दिया हुआ रहे, इस वाले फॉर्मूला को लगाएंगे कैलकुलेटर, ठीक है. क्वेश्चन कैसा रहे? अगर दिया हुआ है इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2, 3 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. तो देखिए क्वेश्चन पढ़े हम, सबसे पहले हमको क्या दिखा? हमको दिखा इसमें एक पॉइंट दिया हुआ, ठीक है. क्वेश्चन पढ़े हमको क्या दिखा? एक एंगल दिया हुआ है. इसका मतलब है कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो कौन से फॉर्मेट से बनेगा? वन पॉइंट स्लोप से बनेगा, ठीक है. पहले एनालाइजेशन, उसके बाद कैलकुलेशन. थीटा दिया हुआ है ना, कहाँ से बोला थीटा कैलकुलेट करने? थीटा के लिए केवल डिस्कस करना और कुछ नहीं. नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री, तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ऐसे आएंगे, और ये 30 है. अगर ये 30 है तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है. अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 होगा. ये होता है ना स्लोप का एंगल. तो मेरे पास स्लोप क्या मिल गया? m जो है दैट इज tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? क्लियर स्लोप. बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी x 1 - y 1. y 1 किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट जो गिवन है उसका सेकंड वाला पोजीशन इज स्लोप टाइम x - x 1 मल्टीप्लाई किए तो रूट थ्री वाई माइनस थ्री रूट थ्री दैट इज एक्स माइनस टू. एक तरफ आप शिफ्ट कर दीजिए, इधर लाइए या उधर बैठिए, बात होगी रूट थ्री वाई और उसके साथ माइनस टू प्लस थ्री रूट थ्री. ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट. समझे कैसे बनाएंगे? नोट कर लीजिए, ठीक है. क्वेश्चन लिख रहे हैं बनाइए.
हो गया था ये वाला बना था क्वेश्चन। इसमें आप लोगों ने इसको एक पॉइंट की तरह बिहेव करवाया था, ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अब ये हो गया टाइम और ये हो गया प्रोडक्शन, इसमें कौन एक्स और कौन वाई? 99 मतलब ईयर जो है वो एक्स की तरह बिहेव करेगा और प्रोडक्शन जो है वो वाई की तरह बिहेव करेगा। तो मिल गया आप लोगों को x1 y1। और इसके बाद स्लोप के लिए देखिए नीचे क्या लिखा, एंगल आप ये थे पाई बाई थ्री की टेन थीटा पाई बाई थ्री।
एंगल पाई गई थी, इसीलिए हम देखे गए तो tan थीटा का वैल्यू पाई गई। यहां लिखा ना इट्स टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल पाई गई। हम नंबर इसलिए नहीं दिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दे, तो पाई देख के नहीं सोचना है कि एंगल पढ़ना ही क्या है, ठीक है। तो हम लोग के पास tan थीटा पूरा का पूरा पाई बाई 3 है, x1 का वैल्यू जो है वो 1995 है, y1 का वैल्यू जो है वो 2000 है। इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, क्या लिखेंगे y minus y1 that is slope time x minus x1, और उसके बाद हमको जो फाइंड करना था 2001 में यानी कि y का वैल्यू नहीं x का वैल्यू 2001 होगा, तो y कैलकुलेट करना था। तो पाई बाय 3 2001 माइनस 1995 कितना हो जाएगा 6, 6 और उसमें ऐड करेंगे कितना 2000, ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर ये आया तो सही, नहीं आया तो कट। कुछ क्रॉस क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, equation of line, then find equation of line equally inclined का मतलब theta 45 और कुछ 135 कितना 45 और 135। अगर मेरे पास ये coordinate axis है तो equally inclined कहने का मतलब positive x और positive y के साथ ये same angle बना रहा है, same angle बना रहा है, 45 degree। ये भी तो कर सकता है कि पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स के साथ वो एंगल बना, तो वैसे केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो इसको कंसीडर करके ना इट इज 130, तो दो एंगल आए कौन कौन, एक 45 और एक 130। जैसे आप थीटा 45 देते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में जो स्लोप आएगा वो 1 आएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और जैसे आप थीटा लेंगे 135 तो स्लोप इसके रिस्पेक्ट में आएगा -1, तो स्लोप की जगह आप क्या पुट करेंगे प्लस माइनस। उसके बाद क्या बोला गया कि ये पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, तो जो मेरे पास पॉइंट है वो 1, -1 है, x1 y1 एक बार ये स्लोप और एक बार ये स्लोप, तो इक्वेशन आएगा। y minus y1 that is slope time x minus x1
y is equals to plus minus x minus 2 आ रहा है, यही है y minus y, ये तो कट जाए, ऐसा y is equals to plus minus x आया क्या? वाला वाला x minus y minus 2 equal to y minus y that is plus minus 1, slope हो गया x minus x1, तो y plus 1 is equals to x minus 1, तो y जो होगा वो x minus 2 हो जाएगा, एक equation यहाँ खत्म, और दूसरा equation जो होगा कि y plus 1 is equals to minus x और plus 1, minus x और plus 1, ये कट जाएगा, y is equals to minus x, तो x plus y equal to 0, या आप कह सकते हैं x minus y minus 2 equal to 0, वो अरेंज करके लिख लेना है, बाकी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through 2, 3 passes through 2, 3 such that its make an angle which is 2/3 of angle between negative x and positive y axis, in clockwise direction. हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे एंगल पे घुमाएं और कहीं, तो एक बार तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। इसमें एंगल को समराइज करना था हम लोगों, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ये हो गया पॉजिटिव वाई, तो एंगल के लिए क्या बोला कि नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, यानी हम इसमें बात करें उसमें 2/3, 2/3 मतलब एंगल अगर डिवाइड कर दें हम 1/3 तो 30 डिग्री होगा, 2/3 मतलब 60 डिग्री होगा, इसके बीच में एंगल 90 है ना, तो 90 का 2/3 कितना होगा 60 डिग्री। अब डायरेक्शन बताया किधर से, एंटी क्लॉकवाइज हम यहां से मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज यहां से मेजर किए 60, ये ऐसे बन गया। एंगल एनालाइज कीजिए, मत मानिए कि यही होता है, वो लाइन तो बात की बात है, पहले एंगल, तो ये अगर इधर से 60 बना रहा है तो एंगल फॉर स्लोप क्या होगा 120, तो
तो थीटा आप लोगों को मिल गया 120, इसके रिस्पेक्ट में स्लोप जो होगा वो tan 120 मींस -√3। इक्वेशन निकालिए क्या पॉइंट है 2 3 तो y - 3 = स्लोप tan x - 2 सॉल्व कर लेंगे वही इक्वेशन में ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनता है, इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो वैसे केस में थीटा ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? सोच के बोलना चाहिए। अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, तो ये वाला हो जाएगा मान लीजिए a, तो ये भी a है। अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो ये तो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन है, मतलब कि स्लोप के लिए एंगल कौन होगा, ये दैट इज 150 डिग्री माइनस थीटा होगा ठीक है। हम जब tan थीटा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हैं, tan थीटा बोल रहे हैं, तो tan थीटा a/a1 होगा। मगर जब आप स्लोप फाइंड करने जाएंगे तो स्लोप के लिए आप tan थीटा लिखेंगे कि 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, यानी ये माइनस 1 लिखेंगे ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या, इक्वल इंटरसेप्ट दो चीज रखता है विद सेम साइन, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तब। अभी देखिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, और अगर हम यहां पे ले आए किसी के पैरेलल तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सेम साइन है तो एंगल फॉर इंक्लिनेशन यानी कि स्लोप का एंगल कितना होगा 135, स्लोप कितना होगा -1। और अगर डिफरेंट साइन है विद डिफरेंट साइन, तो वैसे केस में मेरे पास एंगल कितना होगा स्लोप का 45 डिफरेंट साइन ठीक है। तो दोनों चीज चलेगा यहां, जैसे डिफरेंट साइन हम यहां पे ले लें, देखिए यहां पे ये y मेरा पॉजिटिव है, अगर x कैसा है नेगेटिव, अगर किसी के पैरेलल हम यहां खींच लेंगे तो x मेरा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो जब इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर स्लोप 45, और अगर साइन सेम है तो वैसे केस में क्या होगा 135। साइन अगर सेम है दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो 135, साइन अगर डिफरेंट है तो एंगल कितना 44। तो एंगल को छोड़िए, साइन अगर सेम है तो स्लोप कितना -1, और अगर साइन अपोजिट है तो स्लोप कितना हो जाएगा +1 ठीक है। क्वेश्चन में एंगल पे ही देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिया जा सकता है, बाकी सब में और क्या 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो 1 पॉइंट देगा ही, और डिफर कहां कराएगा स्लोप में, स्लोप में क्वेश्चन बहुत होता है। नेक्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्मेट है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब है कि आपको एंगल वगैरह नहीं दिया, डायरेक्ट क्या प्रोवाइड कर दिया, दो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है। तो अगर हम लोग इसके लिए एक फिगर बना ले ऐसा कुछ, जिसमें एक पॉइंट दिया x1 y1, एक और पॉइंट दिया हम लोग को x2 y2, और एक पॉइंट हम खुद से अज्यूम कर लिए कौन xy, वेरिएबल पॉइंट तो लेना होगा ना। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन पता क्या है, तो बताइए, तो अगर जानते हैं कुछ तो स्ट्रेट लाइन हिंदी में बताइएगा सीधी रेखा डेफिनेशन क्या है, जो लाइन सीधा हो इट इज द लोकस ऑफ मूवेबल पॉइंट व्हिच मूव्स कोलिनियरली ठीक है। ये एक पॉइंट का लोकस होता है, देखिए आज यहां है कल यहां है परसों यहां है यहां है, मगर जैसे भी है कोलिनियरली मूव करता है। अगर कोलिनियरली मूव कर रहा वो पॉइंट तो इसका फॉर्मेशन करेगा एक स्ट्रेट लाइन, तो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन बनता है ऐसा, एक पॉइंट मूव कर रहा है कोलिनियरली, मगर अब इतना कौन ड्राइंग करने जाता रहा ये ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल पॉइंट होगा, इसके बिना तो कभी कोई ट्रेजेक्टरी नहीं बनता कभी ठीक है,
तो ये हमेशा रहता है, कहाँ पड़ा रहता है, ये बस जरूरत पड़े तो निकालना होता है। तो ये गिवन है, ये गिवन है, और ये कैसा है, ये वेरिएबल है, नाम दे दिए ए बी और सी। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और इसको हम बोल दिए पी, बताइए तो पी का कोऑर्डिनेट है, x2, y, ये हो गया। अच्छा, इसी को थोड़ा और आगे हम बढ़ा दिए और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम कह रहे हैं q कोऑर्डिनेट, x, y, ये आ गया। अगर ये एंगल थीटा है तो बोलिए तो ये कौन से ट्रायंगल के लिए एंगल, ट्रायंगल APD के लिए या ACQ के, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ABP, अगर tan थीटा का डिस्कशन करें हम लोग तो दैट इज y2 - y1, और डिवीजन में क्या आएगा x2 - x1, देखते चलिएगा जहां नहीं समझ में आप, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल नाम क्या है ACQ, ACQ तो tan थीटा किसके बराबर, वही tan y माइनस y1 और by x माइनस x1, दोनों तो सेम tan थीटा है ना, मतलब कि एक ही थीटा के लिए tan का वैल्यू डिफर थोड़ी कर जाएगा। अगर 30 डिग्री है तो ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, 60 है तो ये भी √3, ये भी √3, ठीक है, तो दोनों सेम, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी तो सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस y माइनस y1 by x माइनस x1 that will be equals to y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1। थोड़ा अरेंज करने हैं तो y माइनस y1 is y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1, और इसका मल्टीप्लिकेशन x माइनस x1, ठीक है। ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन से फॉर्म में, 2.1 फॉर्म। ये और इससे पहले वाला क्या डिफरेंट था, इसके जगह है लिखा था, आपको याद है स्टार्टिंग में स्लोप पढ़ रहे थे तो 2.1 फॉर्म बताए थे, तो स्लोप निकालने का यही फॉर्मूला था ना, हम लोग इसको नहीं यूज करते, मतलब अगर 2 पॉइंट दे दिया तो क्या करते हैं, दोनों पॉइंट से पहले स्लोप निकाल लेते हैं ताकि है ना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और उसके बाद 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के क्वेश्चन बना, ठीक है। वो तो बढ़िया है कि अगर दे दिया है तो ठीक है, और इस पे ना क्वेश्चन कुछ वैसा ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, जिस पे जरूरत है उस पे खूब करें, नोट कीजिए उसको। एक्सिस को कोई लाइन कितने डिस्टेंस पे कट करता है, तो डिस्टेंस कहां से मेजर, तुम्हारी डिस्टेंस, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। Thank you.
इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब है आपको एक्स इंटरसेप्ट देगा, वाई इंटरसेप्ट देगा, आपको स्लोप नहीं देगा, कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपके पास प्रोवाइडेड है इंटरसेप्ट्स, तो एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी, ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा बी और ये पॉइंट 0 कॉमा 0, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको ओ कहते हैं, ठीक है। ऐसा घटना भी तो हो ही जाए, जो है वो x इंटरसेप्ट और b जो है वो y, x और y इंटरसेप्ट, a और b हो गया, तो कौन y इंटरसेप्ट होता है, b b जो y के नीचे होता है, ठीक है, और कौन x इंटरसेप्ट होता है, अभी तो a और b लिखा है ना, मगर क्वेश्चन में जब आ जाएगा या फिर आपको लिखना होगा तो आप कैसे याद रखेंगे, x तो क्वेश्चन में रहेगा, y भी रहेगा, a और b नहीं रहेगा, तो जो x के नीचे है वो x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे है वो y इंटरसेप्ट, कब, जब राइट हैंड साइड में मेरे पास प्लस वन होगा तब, ठीक है, प्लस वन होगा तब, अगर टू थ्री दिया रहेगा तो तब नहीं हो सकता, तब अरेंजमेंट करना होगा। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आपसे आता कैसा, वो पूछ रहा है इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, होता है फाइंड इंटरसेप्ट्स, फाइंड इंटरसेप्ट्स फॉर्मड बाय formed by line 2x minus 3y plus 5 is equals to 0, ठीक है, इस टाइप से। तो वैसे केस में आपको जब इंटरसेप्ट निकालना है तो बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट करना है, बिल्कुल इस टाइप, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x और 3y को एक तरफ छोड़ के कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ भेज दी, क्योंकि कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ, और इधर चाहिए क्या, प्लस वन, तो किससे डिवाइड करें इसको भी प्लस वन, माइनस फाइव से, तो माइनस फाइव से सबको डिवाइड करेंगे, जो कांस्टेंट वहां दिखेगा उससे करेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट माइनस फाइव, तो यहाँ पे भी बन जाएगा माइनस टू एक्स बाई फाइव, ये बन जाएगा प्लस थ्री वाई बाई फाइव, इट इज इक्वल टू वन। अब एक्स और वाई इंटरसेप्ट ना हमसे मांगा है, तो अरेंजमेंट देखिए क्या हो, ये माइनस टू घूम के नीचे जाएगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x by minus 5 by 2, ये समझे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 by 2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, plus y by 5 by 3 and it is equals to 1, तो x intercept कितना, minus 5 by 2, या आप लिख सकते हैं 5 by 2 units in negative direction, ठीक है, दोनों में से कुछ भी present हो सकता है, या आप लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट कितना, ये हो गया 5 by 3, ऐसा क्वेश्चन है इंटरसेप्ट का, ठीक है, क्वेश्चन में ये
ये वाला तो हो गया इसको भी x1 y1 कह सकते हैं, इसको भी x1 y1 कह सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा कांसेप्ट है। तो y minus y1 by x minus x1, that is y2 minus y1 by x2 minus x1, ऐसा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4y minus 12, it is x minus 1, एक तरफ से कर लीजिए, इसको उधर भेज दें, तो x minus 4y और ये हो जाएगा प्लस 11 इज जीरो, ठीक है। अब क्या है कि 11 उधर जाएगा, तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 11। अब माइनस 11 से डिवाइड करेंगे, जैसे माइनस 11 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, माइनस 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस x बाय 11 और प्लस 4y बाय 11 इज 1। तो यहां से x इंटरसेप्ट कितना मिला, माइनस 11, और y इंटरसेप्ट कितना मिल गया, 11 में। और स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग पार्ट है ना, मतलब इसके बाद सर्कल पढ़िएगा तो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसमें,
पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें स्ट्रेट लाइन रहेगा ही रहेगा, बस नाम बदल के आएगा, वहां कभी टेंजेंट कहलाएगा, कभी नॉर्मल कहलाएगा, कभी कॉर्ड कहलाएगा, रहेगा वही स्ट्रेट। और कोऑर्डिनेट का पार्टिसिपेशन 20 से 25%, ठीक है, किसी किसी ईयर में तो 30 भी चला गया है, मगर मोस्टली क्या होता है 20 से 25% क्वेश्चन कोऑर्डिनेट पे आता है। कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये पांच चीज। पांच में से मान लीजिए तीन चार क्वेश्चन तो हमेशा रहते हैं, कौन छूट जाता है बताया? हाइपरबोला। और हाइपरबोला हम आपको अभी बता रहे हैं आपका सबसे वीकेस्ट पार्ट वही रहे हाइपरबोला। कारण क्या है ना कि वहां पहुंचते पहुंचते में रिपीटेशन भी एक दो बार हो जाता है ना, तो लगता है कि बस आ गया आ गया, तो बच्चा उसको लाइटली ले लेता है, किसको? हाइपरबोला। और हाइपरबोला खेल जाता है, हो गया। एक और क्वेश्चन, इफ x इंटरसेप्ट इज -4 एंड y इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट्स इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आगे तो इतना बोली विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव जैसा डेटा के मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्स बाई -4 और वाई बाई 5 इट इज 1, ठीक है। उसके बाद हम उसे जस्ट एक इक्वेशन बना एलसीएम लेके, तो ये कितना हो गया -5x और ये कितना आ गया 4y, इट इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया। अच्छा अब इसमें हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए था स्लोप, स्लोप चाहिए था सबसे पहले, तो उसके लिए y के टर्म को एक तरफ रखेंगे
तो ये माइनस फाइव एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस 20, और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बाई 4 एक्स और प्लस 20 बाई 4 मतलब 5, एक्स का जो मल्टीप्लायर होता है वही क्या होता है स्लोप, तो 5 बाई 4 इज स्लोप, यानी टेन थीटा मेरा 5 बाई 4, तो थीटा कितना होगा टेन इनवर्स 5 बाई, ठीक है। हम लोग से मांगा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये फालतू बात, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में यही तो एंगल होता है स्लोप वाला, तो जो थीटा यहां निकाले थे ना tan inverse 5 by 4 वही होगा। अगर हमसे मान लेता पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव डायरेक्शन में, हम क्या करते हैं जैसे हम लिखे थे ना पहले तो नेगेटिव ही लिखे, बाद में देखिए उधर बोला पॉजिटिव तो कर दिया, अगर पूछ देता तो क्या करना होता, ये एंगल निकालना होता, ठीक है। तो क्या करते हैं 360 में से इसको माइनस कर देते, अगर पूछ ही देता तो उस समय हम लोग जो एंगल अल्फा निकालते हैं ना वो 360 मतलब 2 पाई और उसमें से माइनस करते किसको tan इनवर्स 5 बाई 4, तब जाके बता सकते, ठीक है। किसका बचिए और किसका हो गया, बहुत बढ़िया।